नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों आज हम पार्ट 27 इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू पे चलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्लियर करते हैं, चार कोऑर्डिनेट में और थर्ड एंगल में कैसे इसको दर्शाया जाए। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि दिए गए ऑब्जेक्ट में या दिए गए ऑब्जेक्ट को टॉप फ्रंट साइड अपने ड्राइंग पेपर पे ड्रा करिए, किस एंगल में, तो थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में। तो चलिए मैं देखता हूँ इसको और इसको बनाता हूँ किस प्रकार से बनेगा। तो सब पता हूँ क्या करेंगे, आप चार लाइनें खींचेंगे, बेसिक लाइन से बोलेंगे और इसे बोलेंगे एक बात का है तो कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट में इसे बांट लेंगे। बांटने के बाद से एक थीन पतली लाइन खींचेंगे ठीक इसके ऊपर जो 10 mm स्पेस देके बनेगी, और वहां जो 10 mm स्पेस देके बनेगी वहां हमारा कौन सा लाइन होगा जिस पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को व्यू को उठा के रखेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो 30 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो वहीं से आ जाएगा 60 है। ठीक है, तो आइए हमको क्या करना है, थर्ड एंगल पे खोलना है उसको। तो थर्ड एंगल में कैसे खोलेंगे, अब आ जाएंगे आप यहाँ पे थर्ड एंगल की बात किया जा रहा है तो किस तरह से सेटिंग करेंगे। थर्ड एंगल में कहा जाता है कि जो जहाँ पे जिस साइड में जो भी बनेगा वो वहीं पे बनेगा। तो यस हमारा यहाँ आ गया, पी हमारा यहाँ आ गया, और इसी के ठीक ऊपर पी हमारा यहाँ आ जाएगा। ये आपको इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, इसको सबसे पहले हम पी को बनाए या ई को बनाए या इसको बनाए, मतलब प्लान हो गया, एलिवेशन या फ्रंट हो गया और ये आपका साइड हो गया। चलिए मैं साइड से शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ से मैं शुरू करता हूँ साइड से। ठीक है, साइड में देखिए दोस्तों आपको 60 दिख रही है, बिल्कुल क्लियर है, और ये भी 60 दिख रही है, ये भी क्लियर है, और ये जो दिख रहा है 20 दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे जाकर दिखाई देगा वह 30 दिख रहा है। ये यहाँ पे जो रखेंगे आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन से नीचे आएंगे कितना 60, ये लाइन से नीचे आएंगे 60, क्योंकि इधर का 60 है ना, 60 आने के बाद 60 हम किधर जाएंगे, अपने हाथ के दाएं तरफ जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में जाएंगे, और जाने के बाद 60 ऊपर गया है तो 60 ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे तो एक हमारा एंगल, सॉरी एक हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जब ये इतना क्लियर हो गया, इसके बाद से 20 हमारा ऊपर गया है, 20 का पॉइंट लगाएंगे और 20 ऊपर लेके जाएंगे, क्लियर। उसके बाद से क्या है दोस्तों, 30 मतलब जो हमारा ये 60 mm का डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से हमें पॉइंट लगाना है, तो 30 पर एक वर्टिकल लाइन का खींचते हुए पॉइंट लगा के और सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये हमारा 20 हो जाएगा। और जब हमारा 20 क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले लाइन को इससे ना गिरा देंगे। अब ये क्या है दोस्तों, साइड व्यू बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं, तीन साइड व्यू के पीछे देखते हैं कि कोई और व्यू बनते नहीं रहा है, इधर देखिए दीवार से दिख रहा है कोई मतलब नहीं है, इधर छत से दिख रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब है यहाँ भी पीछे पीछे यहाँ पे बीच में स्लॉट, मतलब 90 डिग्री का एक स्लॉट कटा है, झिरी कटी है, ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, छुपी हुई वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो हिडन लाइन को क्या करते हैं, डैश डैश में प्रदर्शित कर देते हैं। अब ये आपका साइड व्यू बनके बिल्कुल दोस्तों क्लियर तैयार हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं फ्रंट व्यू पे, तो फ्रंट व्यू की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 60 क्या है, तो 60 मान लीजिए आपने यहाँ से 60 ले लिया इसी के पैरेलल, अब ठीक इसके ऊपर कितना जाएगा दोस्तों, ये कितना गया है दोस्तों, ये अनुमानित हमारा कितना जाएगा, तो अनुमानित मान लीजिए अगर इसकी बात करेंगे तो लगभग लगभग 60 है, तो 20 मान लीजिए, ठीक, तो 20 जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, क्लियर, जब ये 20 जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको रखते हैं और इस 20 के हिसाब से, जैसे मैंने क्या किया ऐसे देखा था तो यहाँ पे 20 दिख रहा था, तो इस 20 के हिसाब से यहाँ पे 20 ले चलूंगा तो कितना चलेगा दोस्तों, ये 20 सीधे लास्ट तक जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया। और 20 के बाद ये 40 जो रहेगा दोस्तों, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इस तरह से देख रहा होगा, ऐसे मैं देखूंगा फ्रंट को ऐसे व्यू को पकड़ के और ऐसे करना, तो ये ठीक हमारे सामने आ जाएगा, और जब हमारे सामने आएगा तो ये सीधा दिखाई देगा, ठीक है, ये जो पार्ट ये ऐसे सीधा दिखाई देगा, ये ऐसे छुप के नहीं दिखाई देगा,
बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो ये और ये और ये जो होता है वो नहीं दिखाई देगा, तो ये और ठीक इसके बीच वाला ये वाला उभर के आपके सामने दिखाई देगा, ये और ये और ये और फिर ये, तो क्या करेंगे ये 20 का है और ये 40 का होगा तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बिल्कुल ये 60 का पॉइंट ऐसे बनेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच वाला जो ऐसे ठीक सामने से देख रहे हैं तो ये 20 का ये हो जाएगा और ये 20 का ये हो जाएगा, ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये ऊपर वाला हो जाएगा और ये खाना ये बनेगा और ये खाना इसके अंदर में जाकर बनेगा और ये खाना यहाँ बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वो किस प्रकार इसमें खाली बैच नहीं दिख रहा है, अब बेटा बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए टॉप की बात करते हैं, तो टॉप पे हमारे जो छत है तो ये कितना है, 30 इधर है, तो दोस्तों 30 ये भी पड़ेगा और 30 ये भी पड़ेगा, तो ठीक इसको क्या करिए, जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा टॉप के लिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नीचे बनाए थे उसी प्रकार से ठीक एक बॉक्स बना देंगे। क्लियर, बॉक्स बन जाएगा, उसके बाद से क्या करेंगे 30 पर एक लाइन खींच देंगे। अब जब लाइन खींचने के बाद से क्या करेंगे दोस्तों, 20-20 का यहाँ पे निशान लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे ये खाली रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब ऊपर से देखेंगे तो जो स्लॉटेड कटा है वो यही कट है, लेकिन ये बीच में इतना खाली है जिसके कारण से मुझे इतना खाली करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जाके आपका ये टॉप भी क्लियर हो गया, ये टॉप क्लियर हो गया, ये फ्रंट क्लियर हो गया और ये साइड क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्लियर कराने के लिए आपको देखना पड़ सकता है दोस्तों इसमें कि क्या हमने इस आर्थोग्राफी को अब आइसोमेट्रिक व्यू में क्लियर कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए एक बात और बता रहा हूँ, ये लाइन जो है इस लाइन से आगे मैच खाएगी और ये लाइन जो है इस लाइन से आगे मैच खाएगी, बीच में ऐसे आप एरो मार सकते हो। ठीक है, कि कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ है, ये 45 यहाँ पे दर्शा सकते हो अगर चाहोगे तब। ठीक है, टाइम अगर आपके पास है तो सिंबल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्किल एक बड़ा सर्किल और छोटे सर्किल के लिए मुख्य तरफ छोटा और बड़े सर्किल के मुख्य तरफ बड़ा कर देंगे, ये आपका थोड़े कलर का सिंबल बनेगा, लिख देंगे आर डायमेंशन आर इन एनी हम नीचे की मतलब जो भी माप हमने दिया है या दिया गया जो माप है वो कितने में मिलीमीटर में है। आप क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे वो चेक कर लीजिए। सर्वप्रथम क्या करेंगे दोस्तों, एक लाइन जैसे खींचेंगे और ये दोस्तों देखते कितना जाएगा हमारा। ठीक है, 30 लेके गए थे, कितना लेके गए हम, 30 लेके गए थे, तो 30 इसी के हिसाब से खींच लेंगे, अब पता नहीं कहां 30 जाएगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लगा देंगे, जब ये वाला पार्ट के लिए 30 का लगाना पड़ेगा। क्लियर, जब ये वाला पार्ट यहाँ तक जाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद कितना गया था, 20 का। ठीक है, 20 के 60 और ये भी था 20 का और ये कितना था 40 का, तो 40-20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे चेक करेंगे, इसको 20 में पॉइंट लगा के नीचे क्या देंगे, इसको भी नीचे क्या देंगे। क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया। आप चल इस बार को जैसे रखेंगे 30 बार को सीधे प्लान की देंगे। क्लियर, आप फिर से इस बार को इस प्रोजेक्टर पे रखेंगे और ऊपर ऐसे स्टेप को बढ़ाएंगे तो सीधे ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, इसमें आगे सीधे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डायरेक्ट इसको मिलाना पड़ेगा और इसे भी क्या करना है, डायरेक्ट मिलाना पड़ेगा। जब ये इतना मिल जाएगा दोस्तों तो क्या करेंगे, दूसरे बार को सेट करेंगे और सेट करने का ये 30 और ये 30 ठीक के लिए और ये भी इससे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर, आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे आगे मिल जाएगा दोस्तों और ये पार्ट जो है दोस्तों ये इसमें आगे मिल जाएगा। देखिए पहले जैसा हमारा अभी बिल्कुल बन के तैयार हो गया, अब इसमें कोई रीजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, या आप 20 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, ये भी आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 60 में हो जाएगा,
अगर आप चाहें तो इसको क्या कहेंगे, सर्जरी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आठ डायमेंशन आ रहे हैं हम, और सिंपल इसके लिए यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? नमस्कार।